गुड इवनिंग, एक और नए लेक्चर में आपका स्वागत। हम पिछले कुछ लेक्चरों से लोक प्रशासन के चिंतकों का विश्लेषण कर रहे हैं और इस क्रम में आपसे हमने पहले चर्चा की टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन की और उसकी मूल अवधारणाएं जो हैं, वैज्ञानिक प्रबंधन का दर्शन, वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत और वैज्ञानिक प्रबंधन की तकनीकें। जो यूपीएससी का या यूपीपीसीएस स्टेट पीसीएस का टेलर पर प्रश्न पूछने का एक ट्रेंड रहा है, वो मोस्टली इसकी प्रासंगिकता पे और आलोचनात्मक मूल्यांकन पे पूछे जाते हैं। तो टेलर की जो आलोचनाएं हैं, बहुत सारी जो पुस्तकों में लिखी गई हैं, बहुत सारी अप्रासंगिक हैं, अर्थहीन हैं, इसलिए आलोचना लिखते समय बहुत ही सतर्क रहे, ठीक है। टेलर अमानवीय, टेलर को अमानवीय कहना ये भी एक तरह से अर्थहीन है, क्योंकि टेलर पहला विद्वान है जिसने कार्य का मानकीकरण किया और कार्य के अनुरूप भुगतान की बात की। टेलर पहला विद्वान है जिसने वैज्ञानिकों के श्रमिकों के वैज्ञानिक चयन और प्रशिक्षण की बात की, ठीक है। टेलर पहला विद्वान है जिसने प्रबंधकों और श्रमिकों में सहयोग और लाभ के आवंटन की बात की। तो इसलिए बहुत सारी जो आलोचनाएं हैं वो तर्कहीन है, लेकिन कुछ आलोचनाएं हैं, ठीक है, जैसे कि बंद प्रतिमान माना जा सकता है इसे, क्योंकि टेलर कहता है कि उत्पादन लागत कम कर देंगे, वस्तु की कीमत घट जाएगी, उत्पाद की कीमत घट जाएगी, मांग बढ़ जाएगी। लेकिन किसी वस्तु का बिकना या न बिकना केवल उसकी कीमत पर निर्भर नहीं करता, बल्कि वातावरण की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यदि वातावरण में फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, अगर भारत में अर्थव्यवस्था को मानसून का जुआ कहते हैं, अगर मानसून नहीं आ रहा है, दो तीन मानसून विफल हो जाते हैं, तो लोगों की क्रय शक्ति घट जाती है, ठीक है। जो हमारी औद्योगिक वस्तुएं, उसका सबसे बड़ा जो उपभोक्ता है वो है हमारा, मतलब मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग, जो भी औद्योगिक उत्पाद बिकते हैं, ठीक है। और ये निम्न मध्यम वर्ग जो है मोस्टली एग्रीकल्चर और रिलेटेड एक्टिविटीज में इंडल्ज है। तो अगर मानसून विफल हो जाता है तो अच्छी फसल न होने के कारण इनके पास क्रय शक्ति का अभाव होता है, और क्रय शक्ति के अभाव में भले वस्तु सस्ती भी हो जाए, बिकती नहीं, ठीक है। तो बंद प्रतिमान के रूप में इसकी आलोचना, और दूसरा संगठन के केवल श्रमिक स्तर पर ध्यान देना, ठीक है, एक यूनिफाइड थ्योरी प्रस्तुत न कर पाना, एक एकीकृत सिद्धांत न दे पाना, दूसरी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो जो भी आलोचना लिखे वो तर्कपूर्ण लिखे। दूसरा जो इसमें महत्वपूर्ण बात होती है वो ये कि टेलर का वैज्ञानिक प्रबंधन 100 साल पहले दे दिया गया था, आज उसे क्यों पढ़े, उसकी प्रासंगिकता क्या है। तो टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन के जो सिद्धांत हैं, बहुत सारी जो तकनीकें हैं वो आज भी उपयोग हो रही हैं, और अभी जो स्टडी की गई है, रिसेंट स्टडी, उसके बारे में मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ, ठीक है, कि रेलेवेंस ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट फॉर द कंटेम्प्ररी डिजिटल इकोनॉमी, FW टेलर, डिजिटल अर्थव्यवस्था के युग में प्रासंगिकता। सोर्स ऑफ स्टडी जो हमारी है, मतलब जहाँ से हमने ये चीज़ें ली हैं, उसमें है कि टीचिंग प्रेजेंट डे एम्प्लॉइज द वैल्यूज ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये एक पुस्तक है जो लिखी गई है बेल और आरएल द्वारा 2011 में, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा जो सोर्स है वो है 100 ईयर्स आफ्टर प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, टिक ब्लैक, एएम एंड मॉसले और जीएल द्वारा 2010 में ये किताब लिखी गई है। इसमें उन्होंने इनकी साइंटिफिक मैनेजमेंट की कंटेम्प्ररी रेलेवेंस, समकालीन प्रासंगिकता का विश्लेषण किया है। तीसरा जो सोर्स है हमारा वो है आपका एन इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय W. सिगमंड 2007, ठीक है। फिर बोल देता हूँ, एन इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय W. सिगमंड 2007। इन सभी विद्वानों ने अपने अध्ययनों में ये पाया है कि टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट के बहुत सारे तत्व, यदि आज की सर्विस इकोनॉमी, प्रीडोमिनेंटली जो सर्विस इकोनॉमी है, उसमें अगर हम लागू करते हैं तो हमें उसके पॉजिटिव परिणाम मिलेंगे, ठीक है। चाहे उसका वैज्ञानिक चयन और प्रशिक्षण का सिद्धांत हो, श्रमिकों का वैज्ञानिक चयन और प्रशिक्षण का सिद्धांत हो, चाहे फंक्शनल फोरमैनशिप डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया था, ठीक है, कार्यकारी फोरमैनशिप की, ठीक, श्रमिक को एक विशेष सुप्रशिक्षित जो पर्यवेक्षक है वो उस पर्टिकुलर एरिया में निर्देश दे, ठीक है।
तो वो जो फंक्शनल फॉर्मेंसिप है, जो स्पेशलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए है, आज आप देखिए हर एरिया में स्पेशलाइजेशन और सब स्पेशलाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि हम बेहतर से बेहतर चीज़ और बेहतर से बेहतर उत्पाद बना सके, तो वो उसकी उपयोगिता दिखाता है। टाइम स्टडी, मोशन स्टडी सभी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में यूज़ होता है, यहाँ तक कि प्राइवेट इंडस्ट्री में भी टाइम स्टडी और मोशन स्टडी को अप्लाई किया जा रहा है ताकि हम कार्य के अनावश्यक भागों को हटा सकें, काम में लगने वाले समय को कम कर सकें। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं कि हाँ टेलर स्टिल इज रेलिवेंट, आइडियाज ऑफ द एप्रोप्रिएट टेलर एंड साइंटिफिक मैनेजर आर स्टिल रेलिवेंट दो द प्रेजेंट डे इकोनॉमी इज प्रीडोमिनेंटली डोमिनेंटली सर्विस सेक्टर ओरिएंटेड, सर्विस सेक्टर ओरिएंटेड, बट डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स द साइंटिफिक मैनेजमेंट इज स्टिल रेलिवेंट। बट हमें ये जरूर कहना होगा कि वो जो आर्मी टाइप अनुशासन की बात करता है, ठीक है, जो श्रम प्रधान उद्योग था टेलर के समय में, ठीक है, इन द लेट 19th सेंचुरी जो श्रम प्रधान उद्योग थे, ठीक है, वो वर्क कल्चर आज नहीं चल सकती। आज हमारे पास एक क्रिएटिव नॉलेज वर्कर है, आईटी सेक्टर में देख लें चाहे सर्विस सेक्टर में देख लें, हमारे पास एक क्रिएटिव नॉलेज वर्कर है। तो जो टेलर ने सिद्धांत दिया था वो अल्प शिक्षित और कम प्रशिक्षित श्रम आधारित उद्योगों के लिए था, लेबर बेस्ड लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज के लिए था। ठीक है, आज की जो इंडस्ट्री वो नॉलेज इंटेंसिव इंडस्ट्री है, तो ऑब्वियसली वो जो वर्क कल्चर है कि एकदम कंट्रोल होना चाहिए, एकदम वर्कर के सर पर खड़े हो जाएं 8 सुपरवाइजर, वो चीज़ अब नहीं हो सकती। ठीक है, तो उसके सिद्धांतों को अपनाया तो जाएगा बट समकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप समायोजित करके, उसमें कुछ हमें समायोजन करने होंगे, कुछ सुधार करने होंगे। मूल संकल्पनाएं उसकी रहेंगी, टेलर की, एफडब्ल्यू टेलर की मूल संकल्पनाएं रहेंगी, लेकिन उन्हें समय की आवश्यकता, ठीक है, कार्मिकों की जो इस समय की लेवल ऑफ जो उसका आईक्यू है उसके हिसाब से उसको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं, स्पेशलाइजेशन तो हो लेकिन, ठीक है, उसमें वर्कर की जो क्रिएटिव फ्रीडम है वो नष्ट ना हो। तो हम कह सकते हैं कि कुछ समकालीन समायोजनों के साथ और अनुकूलनों के साथ टेलर के कुछ सिद्धांत, यदि सब नहीं तो कुछ सिद्धांत आज के संगठनों के लिए पर्याप्त रूप से प्रासंगिक है। ठीक है, ये सारा ये सो डायग्राम जो है इसको अभी आपको हम वीडियो में भी अपलोड कर देंगे। तो ये जो सोर्स ऑफ स्टडी है इसको आप अपने आंसर्स में मेंशन जरूर करिए फॉर ऑथेंटिसिटी ऑफ योर आंसर। ठीक है, अगली चर्चा नेक्स्ट थिंकर के साथ हम आएंगे, बात करेंगे नेक्स्ट थिंकर पर, हेनरी फ्योर पर। ठीक है, तब तक के लिए। Thank you.